शनीय चानः सर्म सप्रथाः वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, मेरे साथ संजीव सुंदियाल जी है और इस वक्त हम गढ़वाल के एक क्षेत्र में हैं और ये चाह रहे थे, उन्होंने एक वीडियो देखी थी ऑरा स्कैनर से मिट्टी वाली वीडियो, और ये भी चाह रहे हैं कि भाई हमारी मिट्टी का परीक्षण किया जाए, घर बनाना है तो मिट्टी की शुभ ऊर्जा अशुभ ऊर्जा नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की जानकारी हमको मिले, और यहाँ पर ऑरा स्कैनर हमारे पास नहीं है तो जो ऑरा स्कैनर से हमने स्कैन किया था वही सारी चीज़ें लेकर एंटीना से भी स्कैन की जा सकती है। लेकर एंटीना क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी का एक डिवाइस है। ये क्वांटम रेजोनेंस, ये क्वांटम सेंसर नीचे होता है इसके, इस सेंसर के माध्यम से और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के माध्यम से आप वही सारी चीजें चेक कर सकते हैं जो ऑरा स्कैनर से चेक की जाती है। तो हम शुरुआत करते हैं एक एक करके मिट्टी के बारे में जानकारी लेते हैं। ये मिट्टी भूमि के मध्य खंड से 2 फीट गहरी मिट्टी है और जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। तो अब किस प्रकार से इसको हम चेक करेंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम 3.3 वेवलेंथ पे इसको सेट करते हैं लेकर एंटीना को और इसको न्यूट्रलाइज करते हैं प्रीवियस रीडिंग। वेवलेंथ से हमने इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। उसके बाद इसको हम 2.5 वेवलेंथ पे सेट करते हैं, ये आपकी है थर्ड आई वेवलेंथ, और इससे हम चेक करते हैं लैंग्वेज, शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस। तो यस में ये इस तरह से लेकर एंटीना मूव करेगा, ये यस की लैंग्वेज है। शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो, नो में इस तरह से ये मूव करेगा। अब आपको लैंग्वेज का ज्ञान हो गया कि कैसे ये यस कर रहा है, कैसे ये नो कर रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक चीज मिट्टी के बारे में जानकारी लेते हैं कि अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो मिट्टी है ये पवित्र है या नहीं है, इसका जजमेंट कहाँ से करेंगे। इसके लिए हम लेते हैं 1.1 वेवलेंथ। इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी विद द डिविनिटी, यानी उस दैवीय सत्ता से जुड़ा होना। दैवीय सत्ता से मतलब उस पॉजिटिव एनर्जी का भंडार, उससे लिंक होना। तो ये है इसकी शुद्धता और पवित्रता की पहचान। तो सबसे पहली पहचान है 1.1 वेवलेंथ, इसकी प्योरिटी, इज इट प्योर और नॉट। तो इट इज प्योर, ये यस के लैंग्वेज है, इट इज प्योर, ये आपका पहला है। इसके अलावा 3.3 वेवलेंथ, इसको अगर हम सेट करते हैं ये आपकी है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक का मतलब इस भूमि पे किसी के द्वारा कोई प्रयोग हुआ है, किया कराया टोना टटका तंत्र मंत्र कुछ दबा दबाया, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हो रखी है। तो ये चेक कर रहे हैं ब्लैक मैजिक, क्या इस में कोई ब्लैक मैजिक कोई तंत्र का प्रयोग कोई इस तरह का प्रयोग हुआ है। तो ये आंसर मिल रहा है हमको नो, कि देयर इज़ नो ब्लैक मैजिक, मिट्टी में कोई प्रयोग नहीं हुआ है। उसके बाद हम चेक करते हैं 6.6, क्या ये है आपका हार्मफुल एनर्जी लेयर या फ्यूचर इलनेस, ऐसी जगह जहाँ पर घर बने और बनने के बाद लोग बीमार पड़ जाएं, तो वो हार्मफुल एनर्जी लेयर उसको बोलते हैं 6.6। हार्मफुल एनर्जी लेयर एग्जिस्ट, यस एंड नो, तो ये नो है, ये नो में ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि अगर हार्मफुल एनर्जी लेयर एग्जिस्ट करता है इसका मतलब वो मिट्टी और उस पर जो भवन खड़ा होगा वो बीमारी देगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम आते हैं 8 वेवलेंथ पे, ये टेलोरिक एनर्जी वेवलेंथ, कि वेदर वी आर गेटिंग प्रॉपरली टेलोरिक एनर्जी, यानी अर्थ एनर्जी वी आर गेटिंग और यस और नो, ये हम चेक कर रहे हैं कि अर्थ की एनर्जी क्या हमको मिल रही है, यस। तो ये आंसर आ गया यस में। इसके बाद हम चेक करते हैं 12, ये है आपका कॉस्मिक एनर्जी, इस क्षेत्र पे इस भूमि पे क्या जो ब्रह्मांडीय शुभ ऊर्जा है उसका प्रभाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपका कॉस्मिक एनर्जी, तो ये आंसर आ गया यस। इसके बाद हम चेक करते हैं व्हाइट मैजिक लेयर, 13 वेवलेंथ व्हाइट मैजिक। व्हाइट मैजिक जैसे ब्लैक मैजिक होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक। व्हाइट मैजिक का मतलब देवीय शक्ति, देवीय ऊर्जाओं का कलेक्शन, डिवाइन एनर्जी कलेक्टिंग, तो वो आपका जो है व्हाइट मैजिक हो गया। जैसे हम लोग प्रेयर्स करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके द्वारा व्हाइट मैजिक क्रिएट होता है। तो व्हाइट मैजिक लेयर एग्जिस्ट इन दिस सॉयल, तो ये यस बता रहे हैं, यानी ये स्थान में देवताओं की ऊर्जा
इस स्थान को प्राप्त है। 15.3 ये आपका ग्लोबल एनर्जी, सराउंडिंग एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ये सराउंडिंग एनर्जी में ये मिली जुली ऊर्जा का प्रभाव दिखता है और ये यस में आंसर आता है। और एक ब्रेक लेंथ 17.7 ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी, ये बहुत ही शुभ ऊर्जा का है जो विशेषकर मंदिरों में शिवालयों में देखने को मिलती है। क्या वो एग्जिस्ट करती है? तो ये बहुत कम मिट्टी में मिलेगी, ये केवल गौशाला की मिट्टी में आता है या शिवालय की मिट्टी में आता है या फिर किसी ऐसे स्थान की मिट्टी में आता है कि जहाँ पर इस तरह के जो रिचुअल्स होते हैं मंत्रोच्चार यज्ञ इत्यादि कार्य निरंतर हो रहे हैं तो वहाँ पर ये जो है आता है। इसके बाद फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं। डाउट कैसे? जैसे कि क्या इस भूमि में कोई पितृ दोष है? अब इसको हम 2.5 वेवलेंथ पर सेलेक्ट करके पूछ सकते हैं कि क्या कोई पितृ दोष है। आंसर इज नो, इस भूमि से कोई पितृ दोष जुड़ा नहीं हुआ है। फिर एक सवाल हम ये पूछते हैं, क्या इस भूमि में कोई शल्य दोष है? शल्य मतलब जमीन के नीचे कोई हड्डी, जानवर का हड्डियां दबी हुई, कील, राख, बाल इत्यादि, जो इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो भूमि के नीचे दबी हुई तो नहीं है? तो ये आंसर आ रहा है नहीं। अब हम दिशाओं को कैसे चेक करें? उसमें आप 2.5 वेवलेंथ से ही आप दिशाओं की बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्या पूर्व दिशा की ऊर्जा शुभ है इसमें? यस, पूर्व दिशा। क्या अग्निकोण साउथ ईस्ट दिशा की एनर्जी शुभ है? यस। क्या दक्षिण दिशा की ऊर्जा शुभ है? यस। क्या दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण की ऊर्जा शुभ है? नो। यानी इस भूमि में नॉर्थ जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, नैऋत्य कोण है, वहाँ पर संशोधन की जरूरत होगी, तो वो बाद में देखा जाएगा कि वहाँ पर किस तरह से संशोधन करना है, किस तरह की रेमेडी करनी है। क्या पश्चिम दिशा की ऊर्जा शुभ है? यस। क्या नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण की ऊर्जा शुभ है इसमें? यस। क्या उत्तर दिशा की ऊर्जा शुभ है? यस। क्या उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण की ऊर्जा शुभ है? यस। क्या ब्रह्मस्थान की ऊर्जा शुभ है इसमें? यस। तो ये क्या है कि सभी दिशाओं की ऊर्जा ठीक आ रही है, केवल एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन नैऋत्य कोण की जो ऊर्जा है वो घटी हुई है, नेगेटिव दिखा रही है, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, उसके बहुत से प्रयोग होते हैं। और जो वास्तु शांति यज्ञ होता है जिसमें 10 दिक्पाल और चंद्रपाल पूजे जाते हैं और वास्तु पुरुष के सभी स्वरूप जितने भी हैं उसमें 64 और 81 के दो अलग अलग भेद हैं, वो सारे पूजे जाते हैं, उसमें इस तरह के छोटे मोटे दोष दूर हो जाते हैं। तो आप भवन बना सकते हैं और इसके साथ वास्तु शांति यज्ञ भी आप कराइए ताकि घर पूरी तरह से ऊर्जावान हो। ओम शांति।